आज हम बनाने वाले हैं ग्रीन झींगा फ्राई, और उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो झींगा। कॉर्नफ्लावर लेंगे 2 टेबल स्पून, सूजी लेंगे 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा धनिया लेंगे कटा हुआ हरा, हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून से भी कम, नींबू का रस लेंगे आधा, जीरा पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, ग्रीन पेस्ट लेना है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची और हरा धनिया, इसमें अदरक कम लेना है 1 टेबल स्पून, तंदूरी मसाला लेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, तेल लेंगे 1/2 टीस्पून और फूड कलर लेंगे थोड़ा सा। सब में पहले हम सूजी में पानी डालेंगे, हमें सूजी को फुलाना है, कम से कम हम 20 मिनट इसे फुलाएंगे अच्छे से। इसे रख दूंगी साइड में, इसे फूलने देंगे। और अभी झींगा लाऊंगी मैं, झींगे में हमें मसाले ऐड करने हैं सब, तो पहला मैं नमक ऐड करूंगी, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, बाकी के मसाले ऐड करेंगे, जीरा पाउडर ऐड करूंगी, हल्दी पाउडर, तंदूरी मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर और ग्रीन पेस्ट। इसे मिक्स करके लेंगे मसालों को झींगे के साथ में। अब इसमें नींबू का रस ऐड करूंगी, नींबू के रस में हमें फूड कलर डालना है। मिक्स करेंगे और ये झींगे में ऐड करेंगे, इसे मिला देंगे। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूंगी और साथ में तेल ऐड करेंगे। मिक्स करके लेंगे। मसाले मिक्स होने के बाद हमें इसे मैरिनेट करने रखना है पूरा आधा घंटा, तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मैरिनेट करने रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, झींगा हमारा अच्छे से मैरिनेट हुआ है। अभी हम बाकी की चीजें इसमें ऐड करेंगे। सूजी जो हमने फुलाने रखी थी उसे छानना है हमें, एक जाली लूंगी और उसे छान देंगे। इसका पानी हमें पूरा निकालना है, इस तरीके से पूरा पानी निकाल देंगे। सूजी का अच्छे से पानी निकल चुका है पूरा, अभी इसमें झींगे में डाल दूंगी इसे, और इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड करूंगी। हाथों का इस्तेमाल करूंगी इसे मिक्स करने के लिए, इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। मसाला हमारे अच्छे से लग चुके हैं, अभी हम इसे फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करना है। कढ़ाई में मैंने तेल रखी हूँ और तेल भी गर्म हो चुका है, अब एक एक करके झींगा डालूंगी मैं। तेज आंच रखना है और इसे फ्राई करके निकालना है। झींगा हमारा फ्राई हो चुका है, अभी हम गैस को कम कर देंगे और इसे निकालेंगे। तेल को अच्छे से छानेंगे और इसे प्लेट में रख देंगे।
और इसी तरह से हम सारा झींगा फ्राई करके निकालेंगे। झींगा फ्राई हमारा सर्व करके तैयार है। इसे मैंने दही वाली चटनी के साथ सर्व किया है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए, और आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।